हेलो स्टूडेंट्स हम एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ uh, का सेशन रहने वाले इम्पॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इस एक क्लास के अंदर हम लोग एनालॉगी के तीनों प्रकार को कम्प्लीट करेंगे एनलॉगी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एग्जाम के अंदर एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ठीक है इससे पहले मैंने आपको क्लास करवाई थी कोडिंग डिकोडिंग की उसमें से दो से तीन क्वेश्चन आते थे आज हम एनोलॉगी करेंगे कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो मतलब एक से दो क्वेश्चन आपको के चैप्टर से भी मिलते तो शुरू करें सेशन को बिना किसी देरी शुरुआत करते फिर अपनी आज की क्लास को प्यारी सी दो तीन मोटिवेटेड लाइनों के साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं बेबार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती ठीक है तो अगर आपके अंदर कहते हैं ना अगर आपके अंदर जुनून है तो डेफिनेटली आपको कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है सिंघम बैच सिंघम बैच के अंतर्गत एस एस की तैयारी आपको करवाई जाएगी जिसमें आपको मिलेंगी डेव लाइव क्लासेस डेली क्लास की पीडीएफ रिकॉर्डेड वीओडी बैच और ई पी डी एफ जूम्ड आउट सेशन और भी बहुत कुछ जिसमें टीचर्स के हैंडर नोट्स होंगे आपको जो पूरा एस एस का एग्जामपुर का एक पूरा नोटबुक है वो ई e फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा बैच आपको 699 का मिल रहा है और ये जो ऑफर है तीन दिसंबर रात 12 बजे तक ले उपलब्ध रहेगा क्लासेस एप्लीकेशन में चार दिसंबर से शुरू हो जाएंगी तो कोशिश कीजिएगा चार दिसंबर से पहले पहले आप इस बैच को परचेज कर लें ठीक है जी तो चलो फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज आज के बेहतरीन सेशन की आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनेलॉगी जिसको हम हिंदी में समानता या सादृशता के नाम से जानते हैं एनेलॉगी से एक से दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है जी अब एनोलॉगी से आप क्या समझते हो बताओ एक बार मैं चेक कर लू आवाज प्रॉपर है सब कुछ प्रॉपर चल रहा है या नहीं बस एक मिनट रुकना ओके ठीक है जी सब कुछ प्रॉपर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग चलो आज ठीक है एनेलॉगी का मतलब क्या होता है एनेलॉगी का मतलब होता है पेयर पेयर का मतलब होता है युग्म ठीक है आपको दो पेयर दिए जाएंगे जो रिलेशन पहले वाले में दिखाई दे रहा है सेम वही रिलेशन बाद वाले में बनाना पड़ेगा कैसे मैम चलो पहले हम इसके पूरे पैटर्न को समझ लेते हैं एनालॉगी के क्वेश्चंस एग्जाम में तीन प्रकार से पूछे जाते हैं सबसे मोस्ट फेमस जो आजकल पूछा ही जा रहा है एक क्वेश्चन तो पक्का नंबर एनालॉगी से आता है संख्या की एनालॉगी से आता है क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से यदि 11 का रिलेशन 1331 से है तो आपसे पूछा जाएगा बताइए रिलेशन किससे होगा अब पेर दे दिया ना जो रिलेशन 11 का एक सौ तैस एक हजार तीन सौ से है वही रिलेशन 8 का किस नंबर से होगा भी ढूंढना पड़ेगा भैया सेम रिलेशन बताओ इसके बाद एनिलॉगी के क्वेश्चन आते हैं आपके एल्फाबेटिकल रिलेटेड अल्फाबेट से संबंधित या कह सकते हैं आप अक्षर से संबंधित अल्फाबेट से रिलेटेड अक्षर से रिलेटेड अक्षर में आ जाता है आपका जैसे आपको दे दिया जाए जो रिलेशन ए बी सी का एक्स वाई जेड से है वही रिलेशन डब्ल्यू पी का किससे होगा अब संबंध दे दिए उसने जो रिलेशन पहले वाले का आपस में दिखाई दे रहा है वही रिलेशन सेकेंड वाली का बताना है अभी रुक जाओ अभी मैं आपको टाइम दूंगी प्रॉपर आंसर करने का ठीक है अभी केवल समझो क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे फिर एनालॉगी का क्वेश्चन आता है एक सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जनरल नॉलेज से संबंधित एक आता है जनरल नॉलेज से संबंधित सामान्य ज्ञान से संबंधित अब बचपन से लेकर अब तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं जो तो आप जीके में पढ़ते हो वो सब यहां पर काम आ जाती है क्वेश्चन दिया जाता है यहां पर कुछ इस प्रकार से ऐसे पूछ लिया जाएगा कि यदि 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 दिल्ली का रिलेशन इंडिया से है तो बताइए लास वेगास का रिलेशन किससे होगा ठीक है तो कुछ भी ऐसे दे देगा क्वेश्चंस आपको कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉगी में तीन प्रकार के पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेशन के आधार पे जो रिलेशन पहले का है वही दूसरे का होगा जो रिलेशन पहले का है वही दूसरे का होगा जो रिलेशन पहले का है वही दूसरे का होगा ठीक है एनालॉगी के पूरे क्वेश्चन पर केवल के और केवल ये दो चीजों पर डिपेंड होती है आधारित होती है जब भी आप एनालॉगी का आंसर निकालते हो तो ये डिपेंड करता है आपके दो चीजों पर कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है ये पहला आप क्या रिलेशन निकाल रहे हो और दूसरा आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं तो ऑप्शन भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप रिलेशन निकाल रहे हो ठीक है चलिए सीधा आप क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के तो ये तीन तरीके की हो गई एक इसमें फिगर वाली भी एनोलॉगी आती है आकृति वाली पर वो हम लोग किसमें करते हैं आकृति वाली एनॉलॉगी हम लोग करते हैं कवर जब हम लोग पढ़ते हैं आ, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग ठीक है कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी परेशान मत हो ना भाई, इस सेशन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ो एंजॉय करो क्लियर तो एनलॉगी हो गई तीन प्रकार की नंबर संख्या के आधार पे, अल्फाबेट अक्षर के आधार पे जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के आधार पे क्लियर शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले नंबर एनालॉगी के बारे में फिर उसके लगातार क्वेश्चंस करेंगे इसका केवल आप कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और कम क्वेश्चन गलत होंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर एनालॉगी जब एनालॉगी आपको संख्या के आधार पे दी जाती है जब एनॉलॉगी संख्या के आधार पे दी जाए करोगे आ जाओ अब देखो उसे पहचाना कैसे जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि संख्या को पहचानना संख्या को पहचानना ठीक है आप कैसे पहचानोगे संख्या को आप सबसे पहले तो आपको एक से तीस तक के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए जिन्होंने नहीं किया पता नहीं आप कौन से शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हो भैया कर लो स्क्वायर क्यूब याद ठीक है मैथ्स में भी काम आता है और रीजनिंग में तो आता ही आता है इसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन के आसपास की संख्या पता होनी चाहिए आपको पता हो कि पीछे वाली संख्या आगे वाले का मल्टीप्लाई के आधार पर इसके बाद आपको पता होनी चाहिए ये नंबर कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है अभाज्य संख्या जिसके दो फैक्टर होते हैं या तो वो अपने आप से कटती है या तो वो वन से कटती है प्राइम नंबर जो जैसे ती, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह ये प्राइम नंबर हो गए पता होना चाहिए आपको ऑड नंबर कौन से होते हैं ऑड नंबर मतलब विषम संख्या कौन सी होती है विषम संख्या पता है आपको जो दो के टेबल में नहीं आती एक तीन पांच सात नौ एंड सो ऑन फिर आती है आपके इवन नंबर इवन नंबर मतलब संख्या जो दो के टेबल में आती है दो चार छ आठ दस एंड सो वन क्लियर बस इतनी चीजें पता है यही काफी और बाकी इन सबसे ऊपर भाई आपका कॉमन सेंस कॉमन सेंस इतना मतलब देखकर पहचान लेना है बस मैं यही बोलूंगी आपको पहली नजर वाला केस वो तो खैर सबसे ही ज्यादा जरूरी है शुरू करते हैं आ जाओ मैंने लिखा यदि पांच को किसी प्रकार से पच्चीस लिखा जाता है तो चार को क्या लिखा जाएगा बताना मैं ऑप्शन भी दे रही हूं बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है क्या इसका आंसर बीस हो जाएगा इसका आंसर सोलह हो जाएगा इसका आंसर चौसठ हो जाएगा या बारह हो जाएगा करो जल्दी से अभी आप ही बताओगे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम इसका होता क्या है फिर आगे चलेंगे ठीक है यदि पांच को पच्चीस तो चार को क्या लिखा जाएगा बीस सोलह चौसठ बारह फटाफट फटाफट बताओ वेरी गुड कैसे पता लग रहा है क्योंकि मैडम में स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें पता है कि पांच को पच्चीस क्यों लिखा है ये पच्चीस कैसे आया होगा पांच का स्क्वायर करके आया होगा भाई पीछे वाली संख्या आगे वाली से तो बन रही है पांच का स्क्वायर पच्चीस है तो यहां पे भी चार का स्क्वायर कर देंगे तो सोलह आ जाएगा सोलह ऑप्शन में भी दे रखा है हंड्रेड परसेंट आंसर होगा ठीक है जी मान ली मैंने आपकी बात दोबारा से बताओ मैंने बोला यदि किसी प्रकार से पांच को लिखा जाता है बीस तो चार को क्या लिखा जाएगा ठीक है ऑप्शन ले लेना इस बार ऑप्शन आपको दे रखे है इसने पच्चीस आ जाएगा चौसठ आ जाएगा बारह आ जाएगा छह आ जाएगा बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है इसी इसी पे इसी पे आधारित ले लेते हैं हम कम कम से क्वेश्चन ताकि आपको सारे पैटर्न समझ में आते चले जाएं एक बार पैटर्न समझ में आ गए पता चल गया वैल्यू बनती कैसे है पहचानना कैसे है फिर तो आप चुटकी में कर जाओगे पांच को बीस तो चार को क्या अब ये बीस कैसे आया हुँ? कात्या कैसे आया बीस देखू तो सही आंसर क्या कर रहे हो आप चलो कैसे आया ये बीस कि मैं ये ऐसे आ सकता है कि पांच की मल्टीप्लाई चार में कर दी तो पांच चौके बीस हो गया तो ऐसे तो चार की मल्टीप्लाई भी चार में कर दो तो सोलह आना चाहिए पर क्या आपको यहां पर कहीं सोलह दिखाई दे रहा है ऑप्शन में कतई नहीं तो मैडम ऐसे भी हो सकता है पांच की गुणा इससे एक संख्या कम चार में करी तो यहां चार की गुणा इससे एक संख्या कम तीन में कर दो तो चारिया बारह हो जाएगा बारह ऑप्शन में हंड्रेड परसेंट करेक्ट है सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे यहां पे के स्क्वायर में से पांच को घटाया हुआ है मतलब पच्चीस घटा देंगे तो बीस आ जाएगा तो यहां पर भी चार के स्क्वायर में से चार को घटा दो सोलह में से चार को घटा दोगे तो बारह आ जाएगा है तो दोनों एक ही चीज क्लियर है आगे आ जाओ नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज किया उसने इस बार दे दिया यदि किसी प्रकार से पांच को लिखा जाता है वन थ्री जीरो तो आपको बताना है चार को क्या लिखा जाएगा ऑप्शन ले लेना वन ट्वेंटी एट आ जाएगा सिक्सटी एट आ जाएगा थ्री ट्वेंटी फोर आ जाएगा या फिर वन ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है छोटी संख्या में इसलिए ले रहे हैं ताकि चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाए एक बार पकड़ में आ गई आपको दिमाग में बैठ गया कि कैसे देख पहचाननी है फिर कुछ भी नहीं है इसके अंदर बताओ जी पांच का एक सौ तीस तो चार की वैल्यू क्या आएगी वेरी गुड पकड़ में आ रही है चीज है वही बड़ी वैल्यू दे दूंगी तो घबरा जाओगे आप बस घबराना ही नहीं है बाकी सब कर लेना ठीक है बना कुछ बहुत कुछ बन गया अब पहचानो लगाओ शक्तियां कि भैया ये 130 कैसे बनाया इन्होंने कैसे आया होगा 130 आगे वाली वैल्यू का ही इस्तेमाल करके आएगा ना अब आगे वाली पांच का इस्तेमाल करके मैं 130 कैसे लिखू मुझे पता है अगर मैं पांच का क्यूब कर दूंगी तो 130 के आसपास आ जाएगा पांच के क्यूब में पांच को जोड़ रखा है मतलब एक में पांच को जोड़ा हुआ है तो कितना आ गया एक आ गया क्लियर तो यहां पर भी चार के क्यूब में चार को जोड़ देना 64 में चार को जोड़ दोगे तो अड़सठ आ जाएगा सिक्सटी एट विल बस पूरी कहानी पर खत्म है एक मैं और तरीका बताती इसका बहुत बढ़िया एक और तरीका देखो इसका बहुत ही अच्छा है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा कुछ इस प्रकार से कि यदि यदि डेढ़ को लिखा जाता है तीन तो छ को क्या लिखा जाएगा ये तो खैर पकड़ लोगे आप इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है डेढ़ को तीन लिखा जाता है तो छ को क्या लिखा जाएगा अठारह पंद्रह बारह या चार ये भी तो देख ले अभी केवल हम छोटे उस पर कर रहे हैं पैमाने पर इसे अभी तो बड़े पैमाने के लिए बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू तीन नंबर की डिजिट चार नंबर की डिजिट दो नंबर की डिजिट अब ये बहुत कैसे आसान है क्योंकि यहां पर क्या किया डेढ़ का दो गुना कर दिया तो तीन आ गया छह का दो गुना कर दोगे तो बारह आ जाएगा स्क्वायर क्यूब देखना है मल्टीपल देखना है डिविजिबल अगर संख्या छोटी हो गई तो क्या करोगे अब छोटी कैसे होगी संख्या आ जाओ वो भी देख लेते हैं यहां पर थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी मुझे एक मिनट एक मिनट एक मिनट चलो अब संख्या अगर थोड़ी सी चेंज करके दे दी जाए अगर आपको दे दिया जाए यदि किसी प्रकार से 20 को लिखा जाता है 12 सपोज तो आपको बताना है उसी प्रकार से 32 को क्या लिखा जाएगा ऑप्शन ले लीजिएगा 14 हो जाएगा 16 हो जाएगा 18 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताने फिर चलते हम थोड़ी सी बड़ी संख्या पे बीस को लिखा बारह तो बत्तीस को क्या लिखा जाएगा इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेना सेम बस ऑप्शन चेंज करूंगी मैं और कुछ भी नहीं तो बीस का बारह कैसे बनेगा मैम यहाँ तो हो सकता है इन्होंने माइनस कर दिया एट बीस में से आठ गया बारह आ जाएगा तो बत्तीस में से भी आठ माइनस कर दो लेकिन लेकिन, लेकिन वैल्यू में माइनस और प्लस के ऑपरेशन लगाने से पहले हालांकि ऑप्शन दे भी नहीं रखा है फिर भी अगर ऑप्शन दे रखा होता सपोज आपको तो पहले क्या करना होता है प्राथमिकता पहले चेक करो कोई संख्या स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है फिर आपको सबसे पहले डिवाइड डिविजन देखना पड़ता है अगर संख्या छोटी हो रही है फिर मल्टीप्लीकेशन जब इन दोनों से काम नहीं चलेगा तो लास्ट में आप प्लस और माइनस को लगाओगे याद रखना प्राथमिकता इसकी जिसे आप कहते हो अब यहां पे मैं माइनस करूंगी ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा मुझे वैसे भी माइनस वाले ऑपरेशन को लगाने से पहले स्क्वायर या क्यूब चेक करना है फिर मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करना है तो मैंने डिवीजन चेक किया तो पता चला बीस का आधा दस प्लस के दो बारह आधा करके दो जोड़ा हुआ है बत्तीस का आधा सोलह प्लस के दो अट्ठारह ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर अगर इस सेम क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन में दे दिया होता सपोज सेम क्वेश्चन के अंदर आपको वो ऑप्शन में दे दिया जैसे हमें एट माइनस करना था आठ घटाना था ऑप्शन में चौबिस आ जाता फिर क्या करते भाई हमें एक इसका पैटर्न ये बन रहा है कि 20 में से 8 को घटाया तो 12 आ गया अच्छा तो 32 में से 8 को घटाओगे तो 24 आ जाएगा अब मेरे पास ऑप्शन 24 भी है और 18 भी है अब मैं क्या करूं क्या धर्म संकट है ये बिल्कुल नहीं प्राथमिकता कैसे ली जाएंगी पहले स्क्वायर या क्यूब चेक करते हैं फिर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस माइनस तो बाद में चेक किया जाएगा पहले चेक करो कि क्या वो वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड से बन रही है अगर आपको ऑप्शन में 18 भी दे रखा है और 24 भी दे रहा है दे रखा है ये उनके लिए जिनको कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम दो दो ऑप्शन लग रहे थे आंसर में ठीक है फिर आप देखते हो आंसर की के अंदर कि नहीं इन्होंने तो कुछ और ही निकाला हुआ है तो वो कैसे लेते हैं प्राथमिकता के आधार पर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं आपको लेकिन फिर भी आंसर आपको चौबीस नहीं करना है क्योंकि माइनस या प्लस वाले ऑपरेशन को डायरेक्ट लगाने से पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन को लगा के चेक करना होता है क्लियर हो रहा है एक क्वेश्चन आ जाओ और ले लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है क्या कि यदि बीस को लिखा जाता है दो तो बत्तीस को क्या लिखा जाएगा ऑप्शन ले लीजिएगा यहां पे चार छ पांच आठ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर बस 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 कुछ पॉइंट और हैं उसके बाद तो सीधा मैं चल रही हूं आपको क्वेश्चंस पर लेकर ठीक है इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर ही चलेंगे डोंट वरी बीस को दो तो बत्तीस को क्या बन रहा है कुछ वेरी गुड छह और पांच कैसे बन रहा है छह कैसे बन रहा है हम्म <laughs> छह कैसे बन रहा है जरा बताओगे मुझे Hmm. अब देखो पहले हमने क्या बोला पहले हमने बोला स्क्वायर या डिवाइड स्क्वायर के आसपास देखो तो स्क्वायर क्यूब तो नहीं है फिर मैंने बोला मल्टीप्लाई डिवाइड देखो मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं है भाई दिखाई थोड़ी देर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दो की गुणा जीरो में करोगे तो जीरो आएगा तो मल्टीप्लाई कैसे कर दे डिवाइड भी नहीं हो रखा है अब क्या करके देखेंगे हम अब संख्या को जोड़ो या घटाओ शुरू की दोनों डिजिट को ऐड कर लिया दो में जीरो को ऐड किया दो आ गया तीन में दो को ऐड कर लो शुरू की दोनों डिजिट को जोड़ोगे तो पीछे वाली संख्या आ जाएगी पांच ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जिनका छह आ रहा है कैसे आ रहा है बताओ फिर मैं आपको बताऊंगी क्या आपका छ आ रहा है तो ये गलत है या क्या है जो भी है मल्टीप्लाई में जीरो बच्चा अगर आप मल्टीप्लाई करके छह बता रहे हो ना तो मैं बता रही हूं आपको एक चीज अगर आप दो की जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा तो फिर आप क्यों तीन की दो में गुणा करके छ ला रहे हो मल्टीप्लाई होता तो यहां पे जीरो आता ना पीछे आप मल्टीप्लाई ऐसे कैसे कर सकते हो शैतान अपने हिसाब से क्वेश्चन को बना रहे हो आ जाओ एक और पैटर्न ले लो इसका बस एक पैटर्न और कर लो उसके बाद हम सीधा फिर क्वेश्चन पे कूदेंगे ठीक है क्वेश्चन दिया इसमें कुछ इस प्रकार से यदि किसी प्रकार से दो को तीन लिखा जाता है तो आपको बताना है उसी प्रकार से 204 को क्या लिखा जाएगा ऑप्शन ले लीजिएगा क्या इसका ऑप्शन आ जाएगा 11 क्या इसका ऑप्शन आ जाएगा पांच क्या इसका ऑप्शन आ जाएगा सात या फिर इसका आंसर आ जाएगा अट्ठारह करीब तो जल्दी से बताइए इसको लास्ट रखेंगे ठीक है और फिर जितना भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कम से कम हर एक पैटर्न के दस से पंद्रह क्वेश्चन करेंगे जैसे नंबर एनालॉगी से रिलेटेड दस से पंद्रह क्वेश्चन करेंगे फिर अल्फाबेट आएगा उसको समझाऊंगी मैं फिर उससे संबंधित दस से पंद्रह क्वेश्चन करेंगे फिर सामान्य अध्ययन आएगा फिर उससे संबंधित दस से पंद्रह क्वेश्चन करेंगे बन रहा है भाई क्या बन रहा है बताओ जरा स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं नजर आ रहा फिर क्या करें वेरी गुड क्या हो रखा है यहां पे स्क्वायर क्यूब नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड है मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे है अगर आप इस संख्या को थोड़ा सा आधा करके देखो अब वही मैं कह रही नजरिया लगाना पड़ेगा आपको 217 में 21 को अलग कर दो और 21 को डिवाइड कर दो सात से आगे की दो वैल्यू पीछे की एक वैल्यू से विभाजित कर दो कितना आ जाएगा तो सात तिया इक्कीस आ जाएगा मतलब तीन आ गया यहां पर क्या करना है बीस को डिवाइड कर दो चार से कितना आ जाएगा चार पंजे बीस आ जाएगा फाइव ऑप्शन विल राइट आंसर तो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं आराम से हो जाएगा ठीक है चलिए भाई आगे अब आ जाओ इन क्वेश्चन पे कम से कम दस से पंद्रह क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट फटाफट से करते चले जाइएगा क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर ये रहा यदि किसी प्रकार से चौदह का रिलेशन नौ से है तो छब्बीस का रिलेशन किससे होगा यदि किसी प्रकार से चौदह का रिलेशन नौ से है तो छब्बीस का रिलेशन कौन सी संख्या से होगा करिए जरा एक बार जल्दी सर बताइए ढूंढो पैटर्न स्क्वायर या क्यूब के आसपास है नहीं तो डिवाइड देखो मल्टीप्लाई देखो फिर लास्ट में जोड़ना देखो घटाना देखो बन रहा है कुछ वेरी गुड थर्टी सेकंड काफी है ना प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आ जाओ अब चौदह से नौ कैसे बनाए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू ना स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट है पर यहां पे मुझे डिवाइड दिखा भाई इसने क्या करा है चौदह का आधा करा है चौदह का आधा सात होता है सात में दो को जोड़ा नौ आ गया तो छब्बीस का आधा कितना हो जाएगा तेहरा तेहरा में दो को जोड़ोगे पंद्रह आ जाएगा फिफ्टीन ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर हीरा पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है यदि आठ का रिलेशन अट्ठाइस से है तो सत्ताईस का रिलेशन किससे होगा बनाओ एनालॉगी दी हुई है आपको थर्टी सेकेंड है आपके पास यदि आठ का रिलेशन अट्ठाईस से है तो सत्ताईस का रिलेशन किससे होगा बताइए जी हाँ पंद्रह 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 वाली बिल्कुल सही है पहले स्क्वायर क्यूब फिर डिवाइड मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस तब कुछ भी ना निकले तो संख्याओं को अलग अलग कर देना ठीक है अब यहां पे आठ दिया हुआ है अट्ठाईस दिया हुआ है सत्ताइस दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क अच्छा ये वैल्यू कैसे पहचानोगे आप पहचानो कैसे पहचाना जाए आठ को मैं क्या लिख सकती हूं ये दो का क्यूब है और अट्ठाईस को मैं लिख सकती हूं तीन के क्यूब में प्लस के वन का रखा है भाई पहले दो का क्यूब लिखा आठ फिर तीन का क्यूब सत्ताईस में एक जोड़ दिया अठाइस आ गया यहाँ पे तीन का क्यूब दे रखा है सत्ताईस तो आगे चार के क्यूब में एक को जोड़ देना जब आप चौसठ में एक को जोड़ दोगे तो पैंसठ आ जाएगा सिक्सटी फाइव ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कदम कहानी आगे आ जाओ नेक्स्ट ऐसे करते चल जाओ फटाफट फटाफट बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ही रहा अगेन एनालॉगी ही चल रही है नंबर एनालॉगी आज पूरी ठीक है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कर लो नंबर एनालॉगी के फिर चलेंगे हम अल्फाबेट पे और लास्ट होगी हमारी सामान्य अध्ययन यदि 68 को 130 लिखा जाता है तो 350 के पहले कौन सी संख्या आएगी वाह भाई वाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड गौर से देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है सेकेंड है आपके पास करो जी जल्दी से सॉरी बनाए इसने दिया यदि सिक्सटी एट को किसी प्रकार से एक सौ तीस लिखा जाता है बताइए कौन सी संख्या का रिलेशन तीन सौ पचास के आसपास हो जाएगा पहले कोशिश करो संख्या का स्क्वायर या क्यूब निकालने की अब मुझे पता है कि यहां पे 68 कैसे बना होगा भाई 68 कैसे बना चार के क्यूब में चार को जोड़ दिया तो 68 आ गया चौसठ में चार को जोड़ोगे अड़सठ यहां पे 130 कैसे बना तो पांच के क्यूब में पांच को जोड़ दिया 125 में पांच को जोड़ा 130 आ गया यहां पे 350 कैसे बना सात के क्यूब में सात को जोड़कर तीन सौ तिरालीस में सात को जोड़ोगे तीन सौ पचास बन जाएगा तो यहां देखो क्या हुआ पीछे वाली संख्या से एक संख्या हमें आगे वाली वैल्यू दे रखी है पीछे वाली आगे वाली पूछी हुई है पीछे वाली दे रखी है तो पहले चार का क्यू प्लस के चार पांच का क्यू प्लस के चार पांच फिर छह का क्यूब प्लस के छह सात का क्यू प्लस के सात छ का क्यूब होता है दो सौ सोलह छह को जोड़ दोगे टू, टू 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 ट्रिपल टू, टू विल खत्म कहानी ठीक है जी आगे आ जाओ नेक्स्ट यदि किसी प्रकार से बयालीस को छप्पन लिखा जाता है तो बहत्तर को क्या लिखा जाएगा समय आपका शुरू होता है अब करो जल्दी से लॉगी पूछी क्या है इसने लौगी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार से बयालीस को छप्पन लिखा जाता है तो बहत्तर को क्या लिखा जाएगा करिए जी एक बार जल्दी से सभी और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है बनाइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अब अगेन इसको करने के भी दो तरीके हैं या तो आप ऐसे कर लो इसका मल्टीपल चेक कर लो या स्क्वायर क्यूब में निकाल लो स्क्वायर क्यूब में कैसे निकालोगे मैं ऐसे लिख सकती हूँ छह के स्क्वायर में छ को जोड़ दिया तो बयालीस आ गया फोर्टी टू छत्तीस में छ को जोड़ोगे बयालीस आ जाएगा सात में सात को जोड़ दो फोर्टी नाइन में सेवन को जोड़ दोगे फिफ्टी सिक्स छप्पन आ जाएगा आठ के स्क्वायर में आठ को जोड़ दो आठ का स्क्वायर चौसठ में आठ को जोड़ दोगे बहत्तर आ जाएगा तो आगे लिखना पड़ेगा मुझे नौ के स्क्वायर में नौ को जोड़ना है मतलब एटी वन में नाइन को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा नब्बे आ जाएगा नाइनटी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर इसका दूसरा तरीका सात के स्क्वायर में से सात को घटाया आठ के स्क्वायर में से आठ को घटाया नौ के स्क्वायर में से नौ को घटाया आगे दस के स्क्वायर में से दस को घटा देना यह भी तरीका सही है इसका एक और तरीका जो बन सकता है वो क्या बन सकता है यहां पे देखो सत्ते का रखा है सात छिक्का बयालीस सात अट्ठे छप्पन आठ निम्मा बहत्तर और नौ धाम नब्बे ये भी सही है जो भी अच्छा लगे कर लेना ठीक है आगे चले आगे आ जाओ यदि दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर फाइव जैसा क्वेश्चन जिसमें चार चार डिजिट आपको दे रखी है इंडिविजुअली बोला यदि सेवन फाइव एट फोर को किसी प्रकार से पांच तीन छ दो लिखा जाता है तो चार छ सात तीन को क्या लिखा जाएगा अगेन आपके पास है थर्टी सेकेंड्स करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर फाइव और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है बनाया जाए जी आ जाओ बहुत टाइम हो गया अब ये भी इजी है कैसे अब इसका अंतर निकाल लो चार में से दो गया दो आ जाएगा आठ में से दो गया छह पांच में से दो गया तीन सात में से दो गया पांच चार टू को माइनस कर रखा है मतलब यहां पे हर एक संख्या में से दो दो घटाकर पीछे लिखा हुआ है ये भी कर दो यहां पे दो दो घटा दो चारों संख्या में से तीन में से दो गया एक सात में से दो गया पांच छ में से दो गया चार चार में से दो गया दो टू फोर फाइव वन दे रखा है ऑप्शन बी में विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट सिक्स आपके स्क्रीन पर हीरा पढ़िए बताइए इसका आंसर क्या होगा आ जाओ इसमें भी एक तरीका और अच्छा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स यदि किसी प्रकार से आठ को बारह लिखा जाता है तो आपको बताना है छह को क्या लिखा जाएगा हम्म 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 यदि आठ को बारह लिखा जाता है तो छह को क्या लिखा जाएगा करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स और बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको होना चाहिए अब देखो इसको ना मैं दो तरीके से करूंगी आप मुझे बताना आंसर क्या होगा स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा है नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई चेक करो तो मल्टीप्लाई है कैसे आठ की गुणा डेढ़ में कर रखी है आठ का डेढ़ गुना आठ एक कम आठ आठ का आधा चार आठ और चार बारह छह का डेढ़ गुना कर देना कितना हो जाएगा भाई तो छ का डेढ़ गुना हो जाएगा छम छह छ का आधा तीन और तीन नौ एक तरीका ये हो गया ठीक है अच्छा दूसरा तरीका आप में से काफी सारे बच्चों ने ऐसे भी निकाला होगा आठ का बारह बना रखा है तो छ का क्या बनाएंगे दूसरा तरीका इसमें आपने ऐसा भी निकाला होगा आठ की गुणा कर रखिए दो में आठ दुनी सोलह माइनस के चार बारह आ गया छह की गुणा कर रखिए दो में छुनी बारह माइनस के चार आठ आ जाएगा अब मुझे ये बता दो आप दोनों में से किसको ज्यादा सही मानोगे मतलब दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है फस गया ना वही क्वेश्चन जो मैं कह रही थी आठ भी ऑप्शन में दे रखा है और नौ भी ऑप्शन में दे रखा है फिर मैं बताती हूं आयोग किसको मानेगा वेरी गुड नाइन को मानेगा बहुत बढ़िया क्यों मान रहे हैं ये इस वाले पैटर्न को ऊपर वाले को क्यों नहीं मान रहे हैं क्योंकि नीचे वाला एग्जैक्ट है केवल मल्टीप्लाई की गई है ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया ऊपर पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ी फिर आपको वैल्यू घटानी या जोड़नी पड़ रही है लेकिन नीचे डायरेक्ट केवल डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई पहले मल्टीप्लाई करके चेक करो फिर मल्टीप्लाई में कुछ जोड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में कुछ घटाया हुआ है अगर तीनों पैटर्न काम आ रहे हैं या तीनों पैटर्न लग रहे हैं तो कोशिश करना पहली प्राथमिकता आप केवल मल्टीप्लाई वाले को दो यही सेम क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपका एस एस सी के एग्जाम के अंदर ठीक है अब यहां पे दोनों बच्चे करके आगे कुछ आठ पूछना आंसर यहां पर बना था नाइन यही ध्यान रखिएगा जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है डायरेक्ट हमेशा पहले प्राथमिकता उसको दी जाएगी इसमें तो मल्टीप्लाई करके साथ अपनी तरफ से कोई वैल्यू घटाई गई है ना यहां तो डायरेक्ट वैल्यू आई है इसलिए यहां पे आंसर नाइन को माना जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर बस और कुछ भी नहीं है आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन बस दो तीन क्वेश्चन और करते हैं फिर चलते हैं हम अल्फाबेटिकल एनलॉगी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर सेवन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर यदि तीन सौ पैंसठ को किसी प्रकार से नब्बे लिखा जाता है तो छह सौ को क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी यह आपको बताना है बताओ जरा इसका आंसर तो जल्दी से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा करो वेरी गुड वेरी गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग हम्म बन रहा है भाई बन तो रहा है इतनी बड़ी वैल्यू की छोटी वैल्यू बना रखी है अब या तो उसने डिवाइड की होगी या तो उसने स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाला है या मल्टीप्लाई की है ना स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट है डिवाइड तो नहीं हो सकता मल्टीपल है कैसे शुरू की तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दी तो छीस तीस, तीस नब्बे हो गया शुरू की तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना आ जाएगा छह 12 बारह बारह छत्तीस तो हमें कुछ नहीं करना शुरू की तीन डिजिट की मल्टीप्लाई करके आपको आगे दिया हुआ है छत्तीस विल बी राइट आंसर आगे आ जाओ त्रेसठ को नौ लिखा जाता है तो कौन सी संख्या को चौदह लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर एट को करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर यदि त्रेसठ को नौ लिखा जाता है तो कौन सी संख्या का रिलेशन सहोदा से संबंधित होगा करो जल्दी से फटाफट फड़ से बताओ इसका आंसर सॉरी क्या आ सकते हैं निकालिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बन रहा है कुछ बहुत कुछ अगेन क्या हो रहा है इसके साथ बेचारे के साथ पहले कोशिश करो स्क्वायर रूट क्यूब मतलब रूट या क्यूब निकले मल्टीप्लाई या प्लस निकले फिर कुछ भी करना है ना मल्टीप्लाई डिवाइड उसके बाद कुछ भी अगर मैं यहां पर देखती हूं तो भाई नौ की मल्टीप्लाई इसने सेवन में कर रखी है तो त्रेसठ आ गया चौदह की गुणा भी सात में करके देख लो कितना आ जाएगा तो सात चौके आ जाएगा अट्ठाईस और सात एक कम सात और दो 98 आ जाएगा ऑप्शन दे रखा है क्या 98? नहीं इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हुआ है अब मल्टीप्लाई भी नहीं है अब मैं क्या करूं ना स्क्वायर क्यूब है ना मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड है अब आ जाओ प्लस माइनस पे शुरू की दो संख्या को जोड़ने पर बाद वाली संख्या बनती है छह में तीन को जोड़ा नौ आ गया शुरू की कौन सी संख्या को जोड़ू कि चौदह बन जाए तो छ में आठ को जोड़ दोगे चौदह बन जाएगा आठ और छह चौदह होता है ऑप्शन ए सिक्सटी एट विल बी राइट आंसर आ जाओ क्वेश्चन नंबर दे रखा है नाइन पढ़िए और बताइए इसका आंसर अगेन पूछा हुआ है क्या यदि किसी प्रकार से टू फोर्टी एट को दो सौ अड़तालीस को तीन लिखा जाता है तो तीन सौ अट्ठाईस को कौन सी संख्या लिखी जाएगी करिए जी फटाफट से बताइए इसका आंसर नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा करो जल्दी से करिए जी जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है चार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थोड़ी सी स्पीड आने स्टार्ट हो गई स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं है डिवाइड बिल्कुल है शुरू की दो संख्या को पीछे वाली संख्या से डिवाइड कर रखा है तो आठ या चौबीस हो जाएगा शुरू की दो संख्या को पीछे वाली संख्या से डिवाइड कर देना तो आठ चौकी बत्तीस हो जाएगा चार ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर तो बन रहा है ना एक और देख लो इस तरीके का पैटर्न और फिर इसके बाद हम लोग एनलॉगी में नंबर का एक पैटर्न और करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है जी ये मान के चलो एनोलॉगी का 50 परसेंट तो केवल नंबर पे आधारित होता है और एक नंबर 100 परसेंट एक क्वेश्चन एनोलॉगी से आपसे पूछा जाता है मिनिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम दो मतलब एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं फटाफट से छह का रिलेशन 222 से है तो सात का रिलेशन किससे होगा सेम ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ टाइम पहले किया है बताइए क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही अभी थोड़ी देर पहले ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया था छह से 222 कैसे बनेगा छह के क्यूब में छह को जोड़ा हुआ है 216 में छ को जोड़ दोगे तो 222 आ जाएगा अच्छा सात का क्या बनाए तो सात के क्यूब में सात को जोड़ दीजिएगा सात का क्यूब तीन सो तिरालीस सात को जोड़ दोगे तीन सो पचास आ जाएगा थ्री फिफ्टी ऑप्शन बस हो जाएगा आराम से अब आ जाओ इसका कुछ और अलग पैटर्न लेते हैं ये तो ही लोगे आप वैल्यू से वैल्यू को बनाने वाला कुछ थोड़ा सा अलग देखती हूँ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अब ऐसे भी क्वेश्चन है जो नंबर एनालॉगी के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन कैसे होते हैं सेम वही पैटर्न ढूंढना होता है जो रिलेशन आठ छप्पन बहत्तर में दिखाई दे रहा है तीनों डिजिट के अंदर इन चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई देगा ढूंढो देखो क्या हो रहा है इसके साथ फिर हम पकड़ते हैं इसके साथ हुआ क्या करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको लग रहा है सही है अब सिर्फ और सिर्फ पकड़ने वाली बात है आठ छप्पन बहत्तर ये कैसे बना आठ छप्पन बहत्तर तो आठ की मल्टीप्लाई करी किसमें सेवन में आठ सत्ते छप्पन आ गया फिर आठ की मल्टीप्लाई करी नौ में तो नौ अठे बहत्तर आ गया पहले सात में गुणा करके बीच में वैल्यू लिखी नौ में गुणा करके बाद में वैल्यू लिखी सेम पैटर्न इनमें से किसके साथ दिखाई दे रहा है पकड़ लो ऑप्शन डी को डी में तो नहीं है क्योंकि तो पांच छिक्का तीस आ रहा है मुझे चाहिए सात की मल्टीप्लाई तो छत्ते बयालीस और छह निम्मा चौवन अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं तो छह बयालीस और चौवन में सेम रिलेशन है आगे वाली संख्या की सात में गुणा करके बीच में लिखा हुआ है आगे वाली संख्या की नौ में गुणा करके पीछे लिखा हुआ है तो जो पैटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम पैटर्न ऑप्शन सी में है सी विल आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है थीके? आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टी को सेम इसमें भी वही काम करना है आपको कम से कम पांच क्वेश्चन इसके और कर लीजिए थोड़ा ये वाला आपका तरीका भी मजबूत हो जाएगा जो रिलेशन 81, वन इक्यासी सतहत्तर और 69 में दिया हुआ है सेम रिलेशन और किस संख्या के अंदर दिखाई देगा बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए इसका आंसर क्या होगा थर्टी सेकेंड है आपके पास का बी कैसे ए आएगा सी भी आएगा जी बच्चा ऐसे ही आएंगे ठीक है अरे काहे नींद आ रही है भाई नाश्ता पानी करके नहीं बैठे सुबह 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 कुछ खा लिया करो पता है बिस्किट हो या रात में रोटी हो या चार वचार लगा के खा लो सुबह कुछ खाया करो रोल बना के पढ़ते पढ़ते बैठ के खाते रहा करो ठीक है पेट में कुछ जाएगा तो दिमाग चलेगा भाई कुछ आ रहा है समझ में दया बहुत कुछ समझ में आ रहा है यहां पर संख्या जस्ट बराबर बराबर दे रखी है एट्टी वन सेवेंटी सेवन सिक्सटी नाइन इक्यासी में से कितना घटाया हुआ है चार घटाया हुआ है सतहत्तर आ गया सतहत्तर में से कितना घटाया है सात और एक आठ पहले चार को घटाया फिर आठ को घटाया सेम रिलेशन इनमें से किसके अंदर दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में छप्पन दे रखा है बावन दे रखा है चवालीस दे रखा है पहले चार को घटाया जाएगा और फिर दो और छह आठ को घटाया जाएगा ऑप्शन ही विल बी द राइट आंसर ये बी किसका आ रहा है हुँ? अरे शतानो कहा से बी ला रहे हो आप लोग आ जाओ इधर भी क्वेश्चन नंबर इकतीस अब यहां पे चार चार वैल्यू दे दी उसने चार वैल्यू देखकर घबरा मत जाना ठीक है जो रिलेशन आपको इसमें इक्कीस अट्ठारह बारह और शून्य में दिखाई दे रहा है वही सेम उबहू रिलेशन चारों में से कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा निकालिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है करो जी और बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है आपको क्या होगा जो रिलेशन इक्कीस 18 बारह शून्य में है वही रिलेशन इन चारों में से किसमें होगा ढूंढा जाए आज लगभग बराबर है अंतर निकाल देते हैं इक्कीस में से तीन को घटाया अठारह आ गया 18 में से छह को घटाया बारह आ गया बारह में से बारह को घटाया शून्य आ गया छत्तीस में से तीन को घटाएंगे तो बत्तीस तो नहीं आने वाला चौबीस में से तीन को घटाएंगे तो इक्कीस आना चाहिए बाईस दे रखा है बत्तीस में से तीन को घटाओगे तो ट्वेंटी नाइन आना चाहिए ट्वेंटी एट रखा है चालीस में से तीन को घटाओगे तो थर्टी सेवन आना चाहिए भैया तीन तो किसी में से भी नहीं घटा रखा फिर पैटर्न चेक करना पड़ेगा पैटर्न कैसे यहां पर जो माइनस कर रखा है वो इस तरीके से पहले तीन को घटाया फिर तीन दूनी छह को घटाया फिर छह दूनी बारह को घटाया अब आप चेक करो कैसे चेक करें हमें पहला ऑप्शन उठाया छत्तीस बत्तीस अट्ठाईस और तीस वैल्यू हमेशा माइनस हो रही है यहां पर वैल्यू प्लस हो गई इसका मतलब ई तो कतई ना हो सकेला ऑप्शन सेकंड बी को चेक करो चौबीस बाईस 18 और नौ पहले दो को घटा रखा है तो आगे दो दुनी चार को घटाना चाहिए ठीक है जी चार को भी घटा रखा है तो आगे चार दुनी आठ को घटाना चाहिए पर गड़बड़ हो गई 18 में से यहां पे इन्होंने सीधा नौ को घटा दिया घटाना आठ को चाहिए था इसका मतलब बी भी, भी नहीं हो सकता पकड़ लीजिए ऑप्शन सी को दे रखा है बत्तीस अट्ठाईस बीस और चार पहले घटाया इन्होंने चार आगे चार दुनी आठ घटाना चाहिए बिल्कुल घटाया हुआ है अट्ठाईस में से आठ या बीस फिर आगे आठ दुनी सोलह को घटाना चाहिए तो सोलह को भी घटाया हुआ है चार गया तो जो पैटर्न मुझे क्वेश्चन में दिया गया था पहले तीन घटाया तीन दुनी छह छह दूनी बारह सेम मुझे ऑप्शन सी में मिल गया पहले चार घटाया चार दुनी आठ फिर आठ दुनी सोलह ऑप्शन सी सौ प्रतिशत सही हो जाएगा आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर बत्तीस आपके स्क्रीन पर ये रहा जो रिलेशन साथ ये तो खैर दोगी जो रिलेशन सात पंद्रह इकतीस के साथ दिखाई दे रहा है सेम हो वही रिलेशन तीनों में से किसके अंदर होगा जल्दी जल्दी बनाओ फिर चलते हैं हम आगे अल्फाबेट पे एक घंटे का और सेशन है बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसी के अंदर बनाइए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा बन रहा है है तो 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 जरूरी नहीं सेम रिलेशन मिले मैं आपको ये बता रही थी इस क्वेश्चन में कि पे पे भी तीन बारा तो भी भी घटा रखा और जगह ही घटाएगा बस पैटर्न समझ लेना फिर तीन फिर घटाया चौदह प्लस के एक पंद्रह बना दिया आगे पंद्रह दुनी बी तीस प्लस के एक इकतीस बना दिया दो की गुना प्लस वन दो की गुना प्लस वन ऑप्शन ए को उठा लो सात तेरह अठाईस तो सात दुनी चौदह माइनस के वन तेरह और तेरह दुनी छब्बीस प्लस के दो अट्ठाइस नहीं सेम चीज आनी चाहिए ना ऑप्शन ए नहीं बन रहा ऑप्शन बी को उठा लीजिए पांच तेरह और अट्ठाइस दे रखा है पहले पांच दुनी दस प्लस के तीन जोड़ रखा है तो तेरह आ गया फिर तेरह दुनी छब्बीस प्लस के दो जोड़ रखा है क्लियर है नहीं बन रहा कोई और देखो बनाओ हमने ऑप्शन सी को उठाया नौ तेरह और छब्बीस इसमें तो डायरेक्टली नहीं है तेरह दुनी दे रखा है इसमें और यहां पे तो पता ही नहीं डी को उठा लो पांच तेहरा और ट्वेंटी नाइन पांच दुनी दस प्लस के तीन तेरा तेरह दुनी छब्बीस प्लस के तीन उन्तीस सेम पैटर्न यहां पर दो की मल्टीप्लाई एक को जोड़ा जा रहा था दोनों तरफ यहां दो की मल्टीप्लाई तीन को जोड़ा जा रहा है दोनों तरफ ऑप्शन डी करेक्ट होगा तो कर लोगे मुझे लगता है इसमें बहुत ही बड़ी चीज होगी जो नहीं हो पाएगी है ना हो जाएगी बस यही होता है आपका नंबर एनेलॉगी इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आपके सामान्य अध्ययन वाले एनॉलॉगी के क्वेश्चन से ठीक है तो यहां पर आपकी नंबर एनालॉगी एंड हो जाती है बस नंबर को पहचानना ही नंबर एनॉलॉगी और कुछ भी नहीं ठीक है आगे हम बात करेंगे आपकी सेकेंड वाले पार्ट जब एनालॉगी के क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज पर आधारित दिए जाते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन इसमें ज्यादा मजा आता है इसमें पता चलता है भैया कहां तक आप सोच पा रहे हो जब पोषण सैनोलॉगी के सामान्य ज्ञान पर आधारित होते हैं। अब जितना बचपन से लेकर अब तक चीजें आपने देखी पढ़ी सुनी वो सब इसमें काम आ जाए चले ये डायरेक्ट चलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है बस चेक करना होता है सिनोनियम एंटोनियम समानार्थक शब्द है विलोम शब्द दे रखा है इसमें चेक करना होता है शब्द कैसे संबंधित है पहले वाले से बस ये कुछ छोटी मोटी चीजें चेक करनी होती है बस और कुछ भी नहीं जैसे अभी आप एक एक क्वेश्चन को देखोगे और खुद पहचान जाओगे ये इन तीनों में से नंबर अल्फाबेट और जनरल नॉलेज इन तीनों में से सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को करने का पढ़िए क्वेश्चन नंबर वन जनरल नॉलेज पर आधारित एनालॉगी का क्वेश्चन और पढ़िए इसका आंसर क्या हो गया बच्चा कहा परेशान हो रहे हो हुँ? किसके अंदर कौन से क्वेश्चन परेशान हो रहे हो आप सेम पैटर्न लेना है सेम सही है एक बार आप पीछे जाके चेक कर लेना ठीक है और बाकी मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी तो जो भी चीज लगे, बता देना कोई दिक्कत नहीं आराम से समझेंगे करेंगे हो रहा है तीस सेकेंड खत्म अब क्या देखना है इसमें जो रिलेशन शिक्षक का जो रिलेशन शिक्षक का स्कूल से है नर्स का किससे होगा टीचर का स्कूल से है नर्स का किससे होगा अच्छा टीचर सर्विस को प्रोवाइड करवाने सेवा देने स्कूल जाता है स्कूल में तो टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को नर्स कहाँ जाएंगी तो नर्स क्या डॉक्टर के पास जाती है नहीं नर्स पेशेंट के पास जाती है नहीं नर्स मेडिसिन के पास जाती है नहीं जैसे स्कूल एक जगह है टीचर वहां पढ़ाने जाता है ऐसे हॉस्पिटल एक जगह है नर्स जहां पर काम करने जाती हैं सर्विस देने जाती हैं ऑप्शन डी विल द राइट आंसर आगे आ जाओ किसी ने डॉक्टर लिखा था क्या बताती हूं रुक जाओ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने बोला तीनों में से सबसे आसान प्रकार होता है एनॉलॉगी के अंदर जब एनॉलॉगी आपको सामान्य अध्ययन से पूछी जाती है करिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड और बताइए इसका आंसर हां जी हॉस्पिटल बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है सॉरी <laughs> बना खिड़की का रिलेशन बढ़ई से है तो मूर्ति का रिलेशन किससे होगा यदि विंडो का रिलेशन कार पेंटर से है तो स्टैचू का रिलेशन किससे होगा देखो खिड़की को बनाने वाला बढ़ई होता है बढ़ाई खिड़की बनाता है विंडो को कौन बनाता है तो कार पेंटर विंडो को बनाता है स्टैचू को कौन बनाता है तो स्टैचू को स्कल्पचर बनाता है और हिंदी में क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आएंगे अब तो जीडी के एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ वैसे हिंदी इंग्लिश आपको दोनों देता है चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दे रहे हो या जीडी दे रहे हो जीडी में अब हिंदी और इंग्लिश के अलावा और तेहरा भाषा को शामिल कर दिया गया है तो जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी कंफर्टेबल भाषा में भी पेपर दे सकते हैं उड़िया हो गई पंजाबी हो गई और तेलुगु हो गई इन सभी भाषा को इंक्लूड किया गया है चलो जी खिड़की बढ़ाई बनाता है तो मूर्ति मूर्तिकार बनाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर आगे आ, आ जाओ इसको तुरंत तुरंत करते चले जाना ठीक है दिल का रिलेशन है कार्डियोलॉजिस्ट से तो हड्डी का रिलेशन किससे होगा हार्ट इज रिलेटेड टू कार्डियोलॉजिस्ट देन बोन इज रिलेटेड टू वॉट डर्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोकेयर ऑर्थोपोडिस्ट ऑर्थोडिस्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर बताओ देखो जहां पर भी डिस्ट जिस्ट दिखाई दे जाए वो होता है अध्ययन करना दिल का अध्ययन करना या दिल के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है और बोन हड्डियों के बारे में अध्ययन करना ऑर्थोपोडिस्ट कहलाता है अच्छा हड्डियों की देखरेख करना ऑर्थो केयर कहलाता है ऑर्थोडोंटिस्ट जहां पे डोंट या डेंटिस्ट आ जाए वो दांत से रिलेटेड हो जाएगा जहां पे डर्म आ जाए डर्मी डर्मी कूल आया आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का जहां पर डर्मी कूल आ जाए समझ लेना है, स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है त्वचा तो की समस्या से संबंधित है ठीक है जी आगे आ जाओ आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आइस का रिलेशन कोल्ड से अर्थ का किससे होगा बर्फ का रिलेशन ठंडक से है तो पृथ्वी का रिलेशन किससे होगा वेट फॉरेस्ट ग्रेविटी या फिर सी क्वेश्चन नंबर पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है फोर का हम्म hmm. अरे याद रहेगा आपको ठीक है ये देखो यहाँ पे चुटकुले चल रहे हैं ऐसी चीजें मैं इसलिए बता दू ताकि चीजें याद नहीं आपको पूछो जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ाया मुझसे छोटी कल तो चीजें मैं ऐसे आपको नटवा देती हूँ ध्यान रहेगी अब डरमी से याद रखोगे ना डरमी कूल स्किन पे लगाते हैं घमोरिया होती हैं चलो आ जाओ इधर बर्फ में ठंडक होती है और पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटी होती है बर्फ में ठंडक होती है अर्थ पे क्या होती है ग्रेविटी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वीडियो प्लेयर का रिलेशन कैसेट से है तो कंप्यूटर का किससे होगा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आप में से कम से कम सिक्सटी परसेंट लोग गलत करेंगे इसका आंसर करना जरा देखा जाए कौन करता है सही कौन करता है गड़बड़ क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़िए और बताइए इसका आंसर यदि वीडियो प्लेयर का रिलेशन कैसेट से है तो कंप्यूटर का रिलेशन इन चार पांच पांच दे रखे हैं एक लो ऑप्शन इन पांचों चारों का रिलेशन क्योंकि चार ही ऑप्शन आएंगे ना ये पांच आ गया होगा किससे होगा बना कुछ तो बना आ जाओ वीडियो प्लेयर में जो भी वीडियो देखी जाती है वो कैसेट में रिकॉर्ड होती है और उस कैसेट को वीडियो प्लेयर में डालकर चलाया जाता है कंप्यूटर में कोई चीज देखनी है तो वो चीज किसके अंदर रिकॉर्ड होगी क्या वो चीज रील में रिकॉर्ड होती है नहीं क्या वो चीज रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होती है नहीं भाई कोई यहां पर होगा ना हार्डवेयर जिसमें रिकॉर्ड करोगे क्या वो चीज फाइल में रिकॉर्ड होती है कदापि नहीं बालक वो चीज रिकॉर्ड होती है फ्लॉपी में हार्ड डिस्क में सीडी या डीवीडी में पेन ड्राइव में तो अगर आप वीडियो प्लेयर पे कुछ चलाते हो कैसेट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है कंप्यूटर में कुछ चलाते हो फ्लॉपी के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्लॉपी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है जो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आती है मैग्नेटिक डिस्क में हालांकि खैर कंप्यूटर में घुस जाओगे फिर आप मैग्नेटिक डिस्क में दो प्रकार की आपकी डिस्क होती है एक होती है हार्ड डिस्क और एक होती है फ्लॉपी डिस्क क्लियर फ्लॉपी डिस्क के लिए पहले ए बी ड्राइव का यूज किया जाता था हार्ड डिस्क के लिए सी ड्राइव यूज होती है जो आपके जितने भी आप अपडेट करते हो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सब हार्ड डिस्क में रहते हैं ठीक है चलो बुलबुल का रिलेशन वर्बल से है हम्म क्या पूछना चाह रहा हो भैया फ्रॉग का रिलेशन किससे होगा ये तो आवाज दे रखी है इसने बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ जी ये आवाज दी हुई है इसने हालांकि अब तो खैर बहुत कम पूछता है ये क्वेश्चन बट मन करेगा तो दे देगा अगर कहीं पांच ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना तो पांचवा हटा देना ठीक है तो क्योंकि आपके एग्जाम में चार ही ऑप्शन आएंगे है ना चलो बना कुछ यहां पे बताओ बुलबुल -बुल की जो आवाज होती है वो बर्बल की तरह होती है बुलबुल -बुल को सुना है बोलते हुए बुलबुल की आवाज होती है बुलबुल चिड़िया नहीं होती है चुटकी सी उनकी आवाज होती है बर्बल की तरह जो फ्रॉग आवाज निकालता है मेंढक उसकी आवाज होती है क्रॉक क्रॉक आपने फ्रॉग की आवाज सुनी है पहले नहीं पहले जब बारिश होती थी तो निकल आते थे ये मेंढक नहीं कितने क्यूट से होते थे ऐसे होते हैं बेचारे समझ जाना ये मेंढक है ठीक है ये बारिश नहीं हो रही है इसलिए वो ऐसा मुर्झा गया है यदि रेशमी कीट का रिलेशन रेशम से है तो नाक का रिलेशन किससे होगा म इज रिलेटेड टू सिल्क देन स्नेक इज रिलेटेड टू वॉट पॉइजन Poison, विश हर विश मृत्यु भय क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करिए और बताइए इसका आंसर बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पॉइजन पॉइजन इसमें इंग्लिश में दो दे दिया इसने आंसर हालांकि मैं आपको बता देती हूं यहां पर क्या हो रखा है रेशम के कीट से जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनसे रेशम की प्राप्ति होती है रेशम इसलिए तो महंगा है सबसे फेमस रेशम है आपका सिल्क है पश्मीना पशमीना सुना होगा आपने पशमीना सिल्क के नाम से बहुत फेमस है कश्मीर में मिलता है बहुत फेमस सिल्क है तो ये रेशम के कीड़े होते हैं ना जो अपने कुकून में रेशम निकालते हैं देख लेना वीडियो कैसे रेशम निकालते हैं और फिर वो उसी में बेचारे मर जाते हैं अंदर ही है ना फिर उनको मतलब क्या कहते हैं अब वो तो मर गए अब रेशम निकालना है तो बॉइल किया जाता है फिर धागे निकाले जाते हैं उससे तो रेशम बहुत बहुत ही महंगा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही मुश्किल से 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 बन रहा है है वो इसी तरीके स्नेक सांप में से क्या मिलता है? तो रेशम के कीट में से रेशम मिल रहा है सांप में से पॉइजन मिलता है विष मिलता है जहर मिलता है ये सब कर लोगे आई डोंट नो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए बट फिर भी कम से कम पंद्रह क्वेश्चन तो कर ही लो फिर अल्फाबेट पे चलेंगे ना लास्ट में क्वेश्चन नंबर देखिए एट और बताइए यदि कीटाणु का रिलेशन बैक्टीरिया से है बीमारी सॉरी डिजीज से है बीमारी से है तो जंग का रिलेशन किससे होगा यदि जाम का रिलेशन डिजीज से है तो रस्ट का रिलेशन किससे होगा आर्मी डिफीट वेपन या डिवास्टेशन फौज हार हथियार तबाही क्वेश्चन नंबर एट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए और बताइए इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है सी ए सी डी तबाही वेरी गुड तबाही बिल्कुल सही है कीटाणु से बीमारी फैलती है कीटाणु जर्म से बीमारी फैलती है नहीं कहते ना हाथ धो के खाना पीना खाया करो हर टाइम क्यों कहते हैं ऐसा अब आपको जुखाम नहीं है आपको खांसी जुखाम नहीं है लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसको खांसी जुखाम है वो तो वायरस होता है अब उसमें क्या होगा जैसे वो छींका कोई खांसा या छींका उसकी ड्रॉपलेट्स आपके हाथ में आ गई अब आपने उससे कुछ खा पी लिया या आपने सांस लिया ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चली गई तो ये फैलता रहता है ना तो इसी वजह से अगर कीटाणु से डिजीज बीमारी होती है तो रस्ट रस्ट जंग से क्या होगा ये रस्ट तो यहां पर इसने जंग लगा दिया ये तो वो वाला जंग बना दिया इसने अच्छा जंग जब लग जाए किसी लोहे पे तो उसका जो भार होता है वो कम होता है ज्यादा बताना जरा मुझे ये भी या बराबर रहता है ये साइंस में पढ़ा होगा आपने जंग से क्या होता है तो जंग से तबाही होती है यहां रस्ट गलत दे रखी है इसने इसकी इंग्लिश जंग से हमेशा तबाही होती है और धीरे धीरे वो भी रिया आप अगर देखो आगे आ जाओ नहीं धीरे धीरे अगर आप देखो इसराइल और आप देखो अगर इसराइल वाली जो जंग चल रही है उसमें तबाही नहीं हो रही है नहीं किसी भी कोई भी मुल्क हो उसको स्टार्टिंग ही नहीं करनी चाहिए जब आप किसी के ऊपर कुछ डालोगे ही नहीं वो लोग बेचारे प्रेयर करने आए थे इसराइल पे पहले हमास वालों ने बम बम घेर दिया ना फिर उसके बाद यहाँ से इसराइल वालों ने शुरू किया हमास पर अटैक करना अब कोई भी आप प्रतिक्रिया करोगे कोई भी आप क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी ना कोई भी एक्शन करोगे तो उसका आपको भुगतनी पड़ेंगी चीज़ें

अब तो खैर बम सभी के पास है। चलो आ जाओ फिलहाल क्वेश्चन में में का, का, तो का इस्तेमाल इस्त, किया जाता है यूके में यूनाइटेड किंगडम यूके में पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है ना दिनार ना ये ना लीरा ऑप्शन ही विल बी राइट आंसर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी दिक्कत होगी बस पांच क्वेश्चन और कर लीजिए फटाफट -पड़ से इसी तरीके से पंद्रह क्वेश्चन इसके करने के बाद फिर हम अल्फाबेट पे चलेंगे अल्फाबेट में और मजा आने वाला है क्वेश्चन नंबर पढ़िए टेन और बताइए यदि शरीर का रिलेशन बॉडी का रिलेशन स्केलेटन से है तो किसका रिलेशन ग्रामर से होगा क्वेश्चन नंबर टेन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है छह अगस्त और नौ अगस्त वेरी गुड उन्नीस में दो बार अटैक हुआ था एक हुआ था 6 अगस्त में और एक हुआ था 9 अगस्त में 6 अगस्त में जो बॉम्ब गिरा गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो 9 अगस्त में गिरा गया था उसका नाम था फैट मैन। चलो जी आ जाओ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में तो बॉडी का रिलेशन स्केलेटन से है बॉडी जो बनती है उसका ढांचा स्केलेटन होता है मतलब ढांचे पर मांस को चढ़ाकर बॉडी बना दी जाती है ग्रामर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है किसी लैंग्वेज को भाषा को बनाने के लिए जैसे आप पढ़ते हो हिंदी व्याकरण व्याकरण का इस्तेमाल किया गया हिंदी की भाषा बनाने के लिए और जैसे आप पढ़ते हो इंग्लिश ग्रामर ग्रामर का इस्तेमाल किया गया इंग्लिश लैंग्वेज को बनाने के लिए ऑप्शन ए आ जाएगा गैराज का रिलेशन है मोटर कार से वायु या एयरक्राफ्ट का रिलेशन किससे होगा यह बहुत बार के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है पढ़िए और बताइए यदि गैराज का रिलेशन मोटर कार से है तो एयरक्राफ्ट का रिलेशन किससे होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर हम्म करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है गैराज का रिलेशन मोटर कार से आ जाओ तो कार जो होती है उसे कहां खड़ा किया जा रहा है गैराज में एयरक्राफ्ट के लिए क्या होगा अड्डा नहीं वर्कशॉप नहीं एयरक्राफ्ट के लिए जो जगह होगी उसे हैंगर कहा जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर क्लियर है आगे आ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बस पंद्रह क्वेश्चन कर लो तीन और इसके करते हैं फिर हम चलते हैं अपने अल्फाबेटिकल पार्ट पे मैं यही बता रही हूं आपने जितनी भी चीजें बचपन से लेकर अब तक पढ़ी हैं सामान्य ज्ञान है वो सारी चीजें जो आपने देखी सुनी पढ़ी बस उन्हीं चीजों पर आधारित आपकी सामान्य ज्ञान एनालॉगी होती है समाचार पत्र का रिलेशन पाठक से है न्यूज पेपर का रिलेशन रीडर से है तो आपको बताना है ब्रेड का रिलेशन किससे होगा आपको बताना है तो रोटी का रिलेशन किससे होगा पढ़िए जी और बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो सकता है यदि समाचार पत्र का रिलेशन पाठक से है तो रोटी का रिलेशन किससे होगा न्यूज़पेपर रिलेटेड है रीडर से न्यूज़पेपर छपता है रीडर के लिए रोटी बनती है गेहूं के लिए नहीं बायर खरीदार के लिए नहीं उपभोक्ता के लिए अब आप में से जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा बायर कंज्यूमर में क्या अंतर होता है बायर में और कंज्यूमर में क्या अंतर होता है दोनों अलग बायर होता है खरीदने वाला और कंज्यूमर होता है उसका इस्तेमाल करने वाला ये मैंने शायद आपको एक एग्जाम्पल और बताया था आप दुकान पे गए आपने एक पेन को खरीदा आप बायर हैं उस पेन का इस्तेमाल आपकी छोटे भाई बहन कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर है आप दुकान पे गए आपने गोलगप्पे खरीद लिए आप ही खरीदर आपने उन गोलगप्पों को खा लिया तो आप ही कंज्यूमर जो इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो बायर ठीक है तो न्यूज पेपर का इस्तेमाल रीडर करता है और रोटी का इस्तेमाल कौन कर रहा है कंज्यूमर करता है जो तो खाता है रोटी आगे आ जाओ मैराथन दौड़ ये एक मिनट रुकना ये दे देखो क्या कर रखा है इसके साथ में बताती हूं आपको करो आप इसे यदि मैराथन का रिलेशन रेस से है दौड़ से है तो शीत निंद्रा हाइबरनेशन का रिलेशन किससे होगा ये आपने शब्द जो है वो कंप्यूटर में पढ़ा होगा सिस्टम में आता है हाइबरनेशन वाला एक छोटा सा पॉइंट हां जी यूज करने वाला इस्तेमाल करने वाला मेरा दिल है उसे मेरी बॉडी इस्तेमाल कर रही है कंज्यूमर तो दिल खरीद थोड़ी ना रे हो आप खरीद के लाए हो करिए फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है बनाया जाए तो मैराथन रेस से रिलेटेड होती है जाहिर सी बात है हाइबरनेशन का रिलेशन सर्दी से नहीं भालू से नहीं ड्रीम से नहीं स्लीप से होता है निंद्रा से होता है हाइबरनेशन एक ऑप्शन आता था जब हम सिस्टम चलाते हैं उसमें अब तो स्लीप आता है ऑप्शन हाइबरनेशन का मतलब होता है यदि यूजर कुछ टाइम के लिए सिस्टम को बंद करना चाहता है पर उसके अंदर के एप्लीकेशन को चलते रहने देना चाहता है तो वो हाइबरनेशन ऑप्शन का चुनाव करता था हाइबरनेशन सिनोनियम दे रखे हैं इन्होंने समानार्थक शब्द दे रखे हैं मैराथन दौड़ से रिलेटेड है हाइबरनेशन स्लीप से रिलेटेड है नहीं आपको नैप लग जाती है थोड़ी सी ऐसा हुआ है आपके साथ जैसे आप क्लास में बैठे हो ऑनलाइन तो पता नहीं टीचर नहीं देख पाते हैं जैसे ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास होती है नहीं जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे क्लास में आप बैठते हो टीचर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप बैठे बैठे ही सो गए नहीं आप एकदम से फिर उठते हो कि अरे क्या हुआ था क्या हुआ था हाइबरनेशन वही एक तरीके से क्वेश्चन नंबर परी पावर का रिलेशन वॉट से है वॉल्यूम का रिलेशन किससे होगा डिग्री वोल्ट ओम लीटर क्वेश्चन नंबर चौदह के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा बस इसके बाद एक और कर लो खत्म कहानी इसी के साथ पावर का मात्रक वॉट होती है आयतन आयतन किसके लिए यूज किया जाएगा लीटर के लिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर आगे आ जाइए यूनिट्स रिलेटेड क्वेश्चन था टेन को डेसिमल से दिखाया जाता है यदि दस का रिलेशन दशमलव से है तो आपको बताना है दो का रिलेशन किससे होता है यदि टेन को डेसिमल लिखा जाता है तो टू को क्या लिखा जाएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है प्रतिरोध का ओम होता है वेरी गुड बिल्कुल सही रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं तो यदि किसी भी चीज में दस संख्या का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको दशमलव कहते हैं कहीं दो संख्या का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बाइनरी कहा जाता है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर बस ऐसे बहुत से क्वेश्चन है ऐसा नहीं ये तो मैं करवा रही हूं आपको मैं सपोज तीस क्वेश्चन लेकर आई तो मैं पंद्रह करवा रही हूं पंद्रह में आप लोगों को पीडीएफ में दूंगी बहुत ही अच्छे से आपको उसको सॉल्व करना है फिर ठीक है पीडीएफ आपको मिलेगी क्लास के एंड में बस अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है अल्फाबेटिकल एनालॉगी का नंबर एनॉलॉगी हमारी कंप्लीट हो गई हमारी सामान्य अध्ययन पर आधारित एनोलॉगी कंप्लीट हो गई और अब बारी आती है लास्ट अल्फाबेटिकल एनोलॉगी की ठीक है बस मुश्किल से आधे घंटे का और सेशन यहां पर आपका अल्फाबेट भी खत्म हो जाएगा तीसरा पार्ट आता है एनॉलॉगी में अल्फाबेटिकल एनोलॉगी अल्फाबेटिकल एनोलॉगी जब आपको एनेलॉगी वाले क्वेश्चन अक्षर के आधार पर दिए जाते हैं। मैंने आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी मैंने तब भी बताया था जब भी कोई भी चीज चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे अल्फाबेटिकल टेस्ट हो चाहे एनेलॉगी हो चाहे ऑड वन आउट हो क्लासिफिकेशन, जब भी कोई चीज अक्षर या लेटर पर आधारित आएगी तो आपको तीन चीजें पता होनी बहुत जरूरी पहली चीज कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है कौन सा अल्फाबेट कौन सी संख्या पे आता है ये पता होना बहुत जरूरी है दूसरा अपोजिट अल्फाबेट कौन से अल्फाबेट किस संख्या किस अक्षर के विपरीत है अपोजिट है ये पता होना बहुत जरूरी है और तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल का प्लेस और कॉन्सुन का प्लेस स्वर और व्यंजन का पता होना जरूरी है अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो कभी भी आप अल्फाबेट वाले किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेंगे आशा है मुझे आपको याद होगा ठीक है और नहीं याद है तो एक बार देख लो क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा हूं तो भाई मेरा कर्तव्य बनता है आपको दोबारा दोबारा पढ़ाना ठीक है अक्षरों के नंबर फटाफट फड़ से मुश्किल से दो से तीन मिनट लगेंगे फटाफट फड़ से याद कर लो दोबारा से अगर याद नहीं कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल छब्बीस ए बी सी डी ई एफ जी एच I J K L M N O P Q R S T U V W X और Y Z आज चेक कर लेते हमें पता है जब भी ए बी सी डी पढ़ने के लिए बोला जाता है तो हमने जो टी याद कर रखी है मैं ये पांच की मल्टीपल होती है पांच पांच दोनी दस पांच पंद्रह पांच चौके बीस पांच पंजे पच्चीस और बाकी के कैसे डायरेक्टली याद करें तो डी शुरू के लेटर हैं वन टू थ्री फोर पे आएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पांच e, पे आती है फिक्स, 6, ऐसे याद रख सकते हो जी सेवन दिख रहा है नीचे सात पे आता है एच ऊपर नीचे मिला दो आठ पे आता है मैं इसलिए याद करवा रही हूं ताकि कुछ बच्चे अगर यहां पर बोले कि मैडम हम भूल गए तो उनके पास सॉरी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आई स्मॉल बना दो नाइन पे आता है जे दस पे आता है इजोटी किंग इलेवन पंजाब किंग इलेवन पंजाब बस एक मिनट रुकना बच्चा एक मिनट ना ठीक है जी तो किंग्स इलेवन पंजाब पे आता है लव करके बच जाते हैं बारह मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा और इतना तेरा हुआ कि उल्टा होके डब्लू बन गया मतलब एम को उल्टा करोगे दस को जोड़ दोगे तेईस पे आ गया एन आता है आपका चौदह नवंबर चिल्ड्रंस डे ओ माइक गॉड पंद्रह अगस्त को आजाद हुए पापा की परी स्वीट सिक्सटीन सतरा खतरा क्यों मई क्यों अठारह रा, अठारह उन्नीस बीस का फर्क होता है युवराज बनते है इक्कीस बाईस के उम्र में और एक्स चौबीसों घंटे दिमाग में रहता है वाई पच्चीस पे आ जाएगा इजोटी और जेड सबसे लास्ट है छब्बीस पे याद कर लो फटाफट से जिनको नहीं याद है याद है हुआ कुछ कुछ अब नहीं बोलना है आपको एक्सक्यूज नहीं देना कि मैडम याद याद नहीं था आप तो याद हो गया होगा सारे याद कर लेना ए टू जेड पूरे पूरे के पूरे याद होने चाहिए हंसी खुशी याद कर लोगे तो और अच्छा है इसके बाद आती है बारी किसकी अपोजिट अल्फाबेट की सभी मैं आपको बता रही हूं एक बार क्योंकि फिर डायरेक्टली चलेंगे हम क्वेश्चन पे अपोजिट अल्फाबेट भी हमें पता होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है इतने टोटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम टोटल होते हैं छब्बीस तेरह तेरह में बांट देते हैं कोई भी दोस्त अक्षर जिनको जोड़ के ट्वेंटी सेवन बनता है वो अपोजिट अल्फाबेट है और याद करने का तरीका शायद आपको मुझसे बहुत ही बेहतर पता होगा ए टू जेड बाय द वे क्रैक्स माउंटेन ड्यू ए फोक मार के उड़ा देंगे जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जोकर क्वीन कानपुर लो चली में मन की बात कदम कहानी ये भी हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी इसके बाद अगर आप भी अल्फाबेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना तो फिर तो गड़बड़ गया बहुत इसके बाद आता है आपका अल्फाबेट में वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला केस अल्फाबेट में वोवेल होते हैं पांच ए अल्फाबेट में पांच वोवेल होते हैं बाकी जो बचा वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं बी सी डी एंड तक बस खत्म, अब बस अल्फाबेट में कुछ भी पूछ ले आपसे अगर आपको ये तीनों चीजें आती हैं तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ना बने शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह से क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपके स्क्रीन पर हीरा ठीक है ध्यान से देखना और बताइए जो रिलेशन वाई टी ओ जे का ये दे रखा है ना एस एन आई से है। वही रिलेशन डब्ल्यू आर एम एच का कितने होगा बताइए इसको बताओ पहले आराम से फिर डायरेक्टली हम स्पीड लेकर चलेंगे तीस तीस सेकंड की और प्रत्येक क्वेश्चन को डील करेंगे ठीक है बस खत्म टाटा बाय बाय अभी टाटा बाय बाय नहीं अभी पहले पूरा करो अगर देखो आप क्लास ले रहे हो वो आप आधा छोड़ के जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं ना भाई आप 20 मिनट और नहीं बैठ सकते क्लास में पढ़ने के लिए हुँ? बन रहा है कुछ बहुत आसान है ये तो देखो x y से एक संख्या घटाओगे x आ जाएगा t से पहले s आता है n j से पहले i कुछ नहीं माइनस के वन कर रखा है वाई पच्चीस पे आता है टी ट्वेंटी पे ओ पंद्रह पे जे दस पे एक्स चौबीस पे एस उन्नीस पे एन चौदह पे आई नौ पे और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट पता है हमें माइनस वन माइनस वन हो रहा है एक अक्षर पीछे जा रहे हैं में से एक गया बाईस पर वी आएगा वी से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है कहा चिंता पूरा मत निकालना और ये चीज अगर आप करोगे तो ये आदत बन जाती है फिर आपको लगता है क्वेश्चन करते समय कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया पूरा करना चाहिए हमें पता है एक एक संख्या घटा रहे हैं हंड्रेड परसेंट वी आएगा और वी से केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है तो कहा टाइम लगा रहे हो आगे आ जाओ आप थोड़ा स्पीड लेकर चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सत्रह आपके स्क्रीन पर ही रहा पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है समय आपका शुरू होता है अब यदि E I G K को E A C Y लिखा जाता है तो आर टी वाई को क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, सत्रह के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है करो और बताओ क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी खैर बनाए आ जाओ इसने बोला यदि किसी प्रकार से ई आई जी के को ई e उसी प्रकार से आर वी टी वाई को क्या लिखा जाएगा आज ई e का ई e दे रखा है जीरो प्लस आई नौ पे आता है ए वन पे माइनस कर रखा है इसने आठ को जी सात पे सी तीन पे माइनस कर रखा है चार को ए ग्यारह पे वाई पच्चीस पे प्लस कर रखा है चौदह को ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही हो रखा है सीधा सीधा रिलेशन अगर मैं पुट करके देखू सेम वैल्यू तो आर में जीरो को जोड़ोगे आर ही आ जाएगा वी बाईस पे आता है माइनस के आठ करोगे बाईस में से आठ जाएंगे चौदह आएगा चौदह पे एन आता है बाईस में से आठ जाएंगे चौदह आएगा चौदह पे एन आता है टी ट्वेंटी पे आएगा ट्वेंटी में से चार को घटा दो सोलह पे पी आता है मिल गया वाई पच्चीस पे आता है प्लस के चौदह कर दो टोटल ए बी सी डी छब्बीस होती हैं पच्चीस में चौदह जोड़ो या छब्बीस में तेरह एक ही बात है और तेरह पे कौन सा अल्फाबेट आता है एम आता है मैं तेरह मैं तेरा आंसर हो गया आर एन पी एम ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर क्लियर है आगे आ जाओ नेक्स्ट यदि किसी प्रकार से डब्ल्यू यू एच को लिखा जाता है डी एफ एच तो एम के आई को क्या लिखा जाएगा समय आपका शुरू होता है अब पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है यदि किसी प्रकार से डब्ल्यू यूएस को डी एफ एच लिखा जाता है तो आपको बताना है एम के आई को क्या लिखा जाएगा करो जल्दी से बताओ सेकेंड है और तुरंत होने वाला क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा करीम जी फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है बना अपोजिट अल्फाबेट माउंट एंड फोक मार्क उड़ा देंगे हाई स्कूल अपोजिट अल्फाबेट दे रखा है इसने विपरीत अक्षर दिए हुए हैं मन की बात कानपुर इंडियन रेलवे एनपीआर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर आगे जो यदि किसी प्रकार से ए जेड बी वाई को लिखा जाता है ए जेड बी वाई को किसी प्रकार से सी एक्स डी डब्ल्यू लिखा जाता है तो आपको बताना है ई वी एफ यू को क्या लिखा जाएगा करिए फटाफट फ़ड़ से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन उन्नीस आपके स्क्रीन पर है करो जल्दी से बताओ इसका पहले ये क्वेश्चन कर लो इसके भी कम से कम हम लोग कर लेते हैं ये के चलो दस से पंद्रह क्वेश्चन फिर मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाती हूँ कोडिंग वाले वो वाले सॉरी काउंटिंग वाले है ना बना कुछ बहुत कुछ चलो पहले कर लो थर्टी सेकेंड है आपके पास ए वन पे आता है जेड छब्बीस पे आता है बी दो पे आता है वाई पच्चीस पे आता है सी तीन पे आता है एक्स चौबीस पे आता है डी चार पे आता है W तेईस पे आता है E पे, V20 पे, F6 पे, U21 पे। क्या हो रहा है दया इसके साथ बहुत कुछ हो रहा है एक में दो को जोड़ा तीन माइनस के दो चौबीस दो को जोड़ा चार माइनस के दो तेईस प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू चल रहा है पांच में दो को जोड़ोगे सात पे आ जाएगा जी बाईस में से दो जाएगा बीस पे आ जाएगा टी छह में से दो गया चार पे आ जाएगा डी इक्कीस में सॉरी भाई क्या हो गया ये प्लस टू माइनस टू प्लस टू आएगा ना आठ पे आ जाएगा एच और इक्कीस में से दो गया उन्नीस पे आ जाएगा एस जी टी एच एस जी टी एच एस ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर आगे आ जाओ यदि किसी प्रकार से फटाफट बस करते चले जाओ क्वेश्चन को कम से कम आ, इसके बाद आपको सात क्वेश्चन और कर रहे हैं सेवन क्वेश्चन और नॉन वर्बल के एक दो क्वेश्चन कर लेंगे यदि किसी प्रकार से सैंडी को सैंडी को लिखा जाता है एच जेड एम डब्ल्यू बी तो आपको बताना है उसी प्रकार से क्रेट को क्या लिखा जाएगा सी आर ए ई क्रेट को क्या लिखा जाएगा टाइम आपका शुरू होता है अब करो जल्दी से बताओ क्या हो गया हम्म कोई दिक्कत परेशानी बना कुछ गौर से देखो इस क्वेश्चन को देखो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बनाए जी आ जाओ तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाई स्कूल ए टू जेड मन की बात माउंट द वे अपोजिट वाई है विपरीत अब मैंने ये बोला ना आपको पूरी एनोलॉगी में करना क्या रीजनिंग है ही क्या तर्क शक्ति आपको क्यों रीजनिंग दी जाती है एग्जाम में ताकि आपका दिमाग एकदम तेजी से चले खुराफाती दिमाग वही आपको तेज पढ़ना दिखाना होता है कि चल क्या रहा है इसके साथ है ना भाई आप पोस्टिंग हो जाती है आपकी आप जो भी पोस्ट चाह रहे हो आपको वो पोस्ट मिल जाती है एग्जाम क्रैक करने के बाद तो वहां पे आपका दिमाग कितनी तेज से चल रहा है वही तो पूरा है रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग आती है ताकि आपका शार्प हो जाए माइंड सी का क्रैक्स, शुरू होने वाले सारे हैं इंडियन रेलवे ए टू जेड जी टी रोड एक्स आई ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर आगे आ जाओ नेक्स्ट यदि किसी प्रकार से अब इसको तुरंत करना मैं समय कम कर देती हूँ थोड़ा सा ट्वेंटी सेकेंड उसके अंदर ही बताना है करके यदि ए एच ओ पी को किसी प्रकार से लिखा जाता है C K एस यू तो B -J -M F को क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर क्या होगा करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर बना जी काफी टाइम हो गया इसमें ए एच ओ पी को ये तो बहुत इजी है कैसे अगेन अल्फाबेट अपोजिट दे रखे हैं अपोजिट तो नहीं दे रखे हैं इसमें देखना जरा ए एच ओ पी को लिखा जाता है सी के एस यू रहा है आपसे बी जे एम एफ को क्या लिखा जाएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा करिए जरा देखा जाए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है ए बी सी डी आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है आ जाओ कर लेते हैं इसको ए एक पे आता है एच आठ पे ओ पंद्रह पे पी सोलह पे सी तीन पर के ग्यारह पे एस उन्नीस पे यू इक्कीस पर एक में दो को जोड़ा आठ में तीन को जोड़ा पंद्रह में चार को जोड़ा सोलह में पांच प्लस थ्री टू थ्री फोर फाइव दो तीन चार पांच जोड़ा जा रहा है बी दो पे जे दस पे एम तेरह पे और एफ छह पे।, पे पहले दो जोड़ लो दो, दो चार पर डी आ जाएगा तेरह पे आता है मैं तेरा चौदह मतलब तेरा और चार सत्रह पे आता है क्यों भाई क्यों सत्रह खतरा छह में पांच को जोडोगे ग्यारह पे आता है किंग्स इलेवन पंजाब डीएम क्यू के ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आई डोंट नो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली है आ जाओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं बस बस ज्यादा नहीं है अब खत्म इसके बाद अल्फाबेट से नंबर वाले और क्वेश्चन आ जाएंगे अल्फाबेट से नंबर वाले हमें पांच से सात क्वेश्चन और करने हैं फिर आपकी वर्बल वाली एनॉलॉगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसके अंतर्गत यदि किसी प्रकार से पेल को लिखा जाता है लीप पेल को एल ई पी लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से पौश को क्या लिखा जाएगा हालांकि अगर आप देखो ना अल्फाबेट की तो कोडिंग डिकोडिंग के जैसी ही दिखती है करिए करिए जी फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है अब बस बच्चा देखो चैप्टर में पूरा तो करवा दू ना मतलब मैं नहीं चाह रही कि अगर आप एक पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो ऐसा हो कि कोई भी पार्ट छूटे तो मैं तो पूरा कंप्लीट करवाऊंगी ठीक है ज्यादा नहीं मुश्किल से इसके बाद दस क्वेश्चन और बचते हैं आपके तो एल लिखा फिर ई e लिखा ए लिखा फिर पी लिखा यही तो कर रखा है सेम अल्फाबेट है रिपोजिशन कर रखा है तो लास्ट के दो लेटर आगे लिख दिए पहले एस आ गया फिर एच आ गया ओ आ गया पी आ गया शॉप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं आएगा क्या ऑप्शन डी क्लियर है या ये एच एस ओ पी क्यों लिखा है भाई किसने लिखा है अरे वो देखो क्या कह रहा है अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लिया करो पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर है तो पहले इसने तीसरा अक्षर उठाया फिर चौथा अक्षर उठाया दूसरा पहला तो यहां पे भी, भी पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर है पहले तीसरा उठाएगा चौथा दूसरा पहला तीसरा एस चौथा एच दूसरा ओ पहला पी ऐसे कर लिया करो शॉप आएगा एस एच ओ पी ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट ठीक है तो ये हो गए क्वेश्चन अब आते हैं हम अल्फाबेट के नंबर के साथ बस खत्म यहीं पर आपके ये मान के चलो पांच क्वेश्चन और हैं बस और फिर खत्म आपका ये तो खैर वो आ गया सिलॉग आ गया ये तो बाद में करेंगे हम लोग यहां से केवल आपके गिने चुने सात क्वेश्चन और बचते हैं फिर आपकी एनालॉगी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी ठीक है जी यदि किसी प्रकार से एस को लिखा जाता है 135, तो आपको बताना है उसी प्रकार से डी एफ जी को क्या लिखा जाएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन आसान है कोशिश करो 20 से 20 सेकंड में कर लो करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है करिए जल्दी से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर आना भी स्टार्ट हो चुका है बहुत आसानी से मैंने कहा 20 सेकंड काफी है इसके लिए वन पे आता है सी तीन पे आता है ई पांच पे डी चार पे आता है एफ छह पे आता है जी सात पे 467 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 33 आपके स्क्रीन पर ये रहा पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है यदि किसी प्रकार से रेट को क्या लिखा जा रहा है नौ लिखा जाता है तो यू ए एम को क्या लिखा जाएगा समय आपका शुरू होता है अब क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा करिए जल्दी से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बनाओ देखो क्या है हमें पता है कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट से नंबर बनाया गया है आर आता है अठारह पे ए आता, आता है ट्वेंटी पे आठ में एक को जोड़ोगे नौ आ जाएगा एक का एक ही आएगा दो में जीरो को जोड़ोगे दो आ जाएगा मतलब दो डिजिट को जोड़कर एक डिजिट बनाई गई है यू इक्कीस पे आता है ए वन पे एम तेरह पे दो में एक को जोड़ोगे तीन आ जाएगा एक का एक तीन में एक को जोड़ोगे चार आ जाएगा तीन सौ चौदह या थ्री वन फोर ऑप्शन चौतीस ये भी बहुत आसान है उतना ही आसान है जितना आसान चाय बनाना होगा आपके लिए करिए चौतीस को बताइए यदि किसी प्रकार से स्टार को लिखा जाता है वन नाइन टू जीरो मार्स को लिखा जाता है वन थ्री डबल वन एट वन नाइन तो पार्क को क्या लिखा जाएगा अल्फाबेट के लेटर है बस और कुछ भी नहीं है डायरेक्ट डायरेक्ट खत्म कर लो इसे डायरेक्टली अल्फाबेट के लेटर दिए हुए हैं इसने और कुछ भी नहीं दे रखा है कैसे एस आता है उन्नीस पे टी आता है बीस पे ए आता है वन पे आर आता है अठारह एम आता है तेरह पे ए वन पे आर अठारह पे और एस उन्नीस पे पी आएगा सोलह पे ए वन पे आर अठारह पे और के पे। केन सिक्स डबल वन एट डबल वन वन सिक्स डबल वन एट डबल वन ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर कुछ भी नहीं यदि श्वेता को पांच लिखा जाता है तो यशी को क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर पैंतीस अगेन बीस सेकेंड काफी है बीस सेकेंड इसके लिए श्वेता को पांच तो यशी को क्या चार छह आठ नौ क्या होगा इसका आंसर श्वेता का पांच कैसे बना क्योंकि श्वेता में पांच अक्षर है श्वेता शब्द में पांच अक्षर है तो पांच आ गया यशी में कितने अक्षर है तो यशी वाले शब्द में छह अक्षर है छ आ जाएगा आगे आ जाइए यदि न्यूज को लिखा जाता है चौदह पांच तेईस उन्नीस तो पेपर को क्या लिखा जाएगा अगेन ट्वेंटी सेकेंड इनफ काफी है बीस सेकेंड खत्म करो जल्दी से अब आप इतने समझ चुके हो कि ये कुछ भी नहीं है और ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना ए टू जेड हंड्रेड परसेंट सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को टीसीएस के करवा रही हूं चाहे टीसीएस में वो एम के अंदर दिए गए हो हालांकि एम में तो मैथ्स और रीजनिंग आपका क्वालिफाई नेचर का हो गया था चाहे सीजीएल के क्वेश्चन हो सीएसएचएल के क्वेश्चन हो जीडी के क्वेश्चन हो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन टीसीएस के हैं ना आ जाओ केवल लेटर के नंबर दे रखे एन चौदह पे आता है ई पांच पे डब्ल्यू तेईस पे एस उन्नीस पे पी सोलह पे ए वन पे पी सोलह पे ई पांच पे और आर अठारह पे सोलह एक सोलह पांच अट्ठारह ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर बस ये भी कर लोगे नंबर नंबर दे रखे हैं। कुछ देखते हुए कुछ है अच्छा अलग सा तो हम्म ये भी हो जाएगा ये भी हो ही जाएगा कर ही लोगे आप सब इसको कर लो बस दो क्वेश्चन और हैं इन दो क्वेश्चन को करके यहाँ पे खत्म करते हैं फिर चीजें यदि किसी प्रकार से डक को सिक्सटी नाइन लिखा जाता है तो बेस्ट को क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थर्टी सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब करिए जी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है फिर खत्म करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया मतलब क्या ही बोले हम उसे खतरनाक क्वेश्चन है वाले क्वेश्चन को बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का अल्फाबेट के अंतर्गत अब देखो डक से इसने 69 बनाया है ना हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे इससे पहले मैंने आपकी जो क्लास ली है वो कोडिंग डिकोडिंग है जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लीजिएगा सर्च करोगे कोडिंग डिकोडिंग बाय प्रीति मैम आपको मिल जाएगी क्लास आई थिंक वो भी दो या ढाई घंटे की है किसी भी लेटर से कोई संख्या बड़ी दे रखी है दो डिजिट की तो उस लेटर की संख्या को जोड़कर या घटाकर बनाया गया होगा डी चार पे आता है यू इक्कीस पे आता है सी तीन पे आता है के ग्यारह पे सारी संख्या जोड़ लो चार पांच छह सात आठ और एक नौ नौ आ गया और दो और एक तीन थर्टी नाइन आ गया बात तो नहीं बन रही जब जो अल्फाबेट आपको दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके सिक्सटी नाइन नहीं बन रहा तो जो अल्फाबेट आपको दिया हुआ है उसके विपरीत अल्फाबेट निकाल लेना अपोजिट अल्फाबेट निकाल लेना तो डी का विपरीत कौन सा अल्फाबेट होता है माउंट ड्यू U का अपोजिट एफ होता है फूब क्यों आ देंगे सी का अपोजिट एक्स होता है क्रैक्स के का अपोजिट पी होता है कानपुर विपरीत के नंबर लिखो अब तेईस पे आता है एफ आता है एक्स चौबीस पे आता है पी सोलह पे आता है, है जोड़ लो सबको सोलह और चौबीस कितना हो जाएगा सोलह और चार बीस बीस चालीस पचास साठ आ गया सिक्सटी नाइन इसने क्या किया दिए गए शब्द के अक्षरों का विपरीत अक्षर निकाला और उनकी संख्याओं को जोड़कर आगे लिख दिया अब हमें पकड़ना है किसे हमें लेना है बेस्ट वाले को पकड़ लो बेस्ट को पहले हम लोग बेस्ट का विपरीत अपोजिट अल्फाबेट निकालेंगे तो बी का अपोजिट होता है बाय द वे वाई पच्चीस पे आता है ई का अपोजिट होता है यू वी आता है बाईस पे एस का अपोजिट होता है क्या होता है हाई स्कूल एच आता है आठ पे और टी का अपोजिट होता है जी टी रोड जी आता है सात पे सारी संख्याओं को ऐड कर लो बाईस आठ तीस चालीस पचास पचास और बारह बासठ 62, 62 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा तो दिए गए शब्द के अक्षरों का अपोजिट अक्षर निकालो फिर ऐड किया ये ध्यान रखना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है जी कई बार लगता है ऐसा आएगा नहीं पर दे देता है। ये अभी करंट 2023 का पैटर्न है टीसीएस वाला आगे आ जाओ इसे करो यदि किसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इकतालीस को करना जे एच बी जी को किसी प्रकार से नौ लिखा जाता है तो आई एफ एच सॉरी आई एफ के जे को क्या लिखा जाएगा करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर इलेव फोर्टी वन और बताइए इसका आंसर क्या होगा करो जल्दी से टोटल और बताओ इसका आंसर कैसे आया यहाँ यहां पर नौ बनाइए देखिए बताइए छोटी संख्या है, कैसे आएगी अब भाई या तो चार अक्षर हैं तो चार में से एक संख्या कम करी तीन का स्क्वायर नौ तो यहां पे भी चार अक्षर है तीन का स्क्वायर नौ होना चाहिए हो सकता है ऐसे कर रखा हो दूसरा तरीका सारे अक्षरों का नंबर लिख लो एक बार तो जे दस पे आता है एच आठ पे आता है बी दो पे आता है जी सात पे बार सारी संख्या को जोड़ो आठ दो तो दस दस, दस बीस सात सत्ताईस कितना आ गया सत्ताईस अच्छा मैं सत्ताईस से नौ बना सकती हूं हां जी अगर मैं सत्ताईस में को तीन से घटा दूं तो नौ आ जाएगा मतलब दिए गए अक्षरों की संख्या को जोड़कर तीन से डिवाइड कर दिया नीचे चेक करो I नौ पे आता है F पे आता है K ग्यारह पे आता है J दस पे आता है जोड़ दो सारी संख्याओं को नौ और ग्यारह बीस और दस तीस छत्तीस सारी संख्याओं को जोड़कर तीन से डिवाइड कर दो तीन एक कम तीन तीन दुनी क्या छह ऑप्शन में दिया हुआ है अगर दिया हुआ है तो सौ प्रतिशत बारह इसका आंसर करेक्ट होगा नाइन नहीं करेंगे मैं बताती हूं क्यों नहीं करेंगे मैंने आपसे बोला या तो ये कर रखा है कि चार अक्षर है चार माइनस के वन का स्क्वायर तो तीन का स्क्वायर नौ आ गया तो नीचे भी तीन का स्क्वायर नौ कर देना पर यहां पर ये चीज हमने अपनी तरफ से माना है ना ये कोई पैटर्न नहीं है ये तो एक तरीके से अगर आप दोनों को मैच करो तो लग रहा है बस कैसे तैसे लेकर आ गए हम आंसर पैटर्न होता है वो जो आप क्वेश्चन से निकाल रहे हो तो टोटल कितने नंबर थे जोड़कर सत्ताइस तीन से डिवाइड किया नौ टोटल कितने नंबर थे जोड़कर से डिवाइड किया 12। अब दोनों पैटर्न आपके सामने कौन सा ज्यादा वैलिड लग रहा है? भी, भी तो यही करता है आंसर आ जाएगा इसका ट्वेल्व बारह ऑप्शन डी सौ प्रतिशत सही है कर लोगे क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूं अब लास्ट आप लोगों को एक करने के लिए आंसर आप लोगों को उसका ऑफलाइन करके बताना है ठीक है ये तो कर ही लोगे क्या ही दे बताओ ये तो सारे कर ही लोगे आप लोग चलो एक क्वेश्चन देती हूं मैं यहां पर आपका मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है एनोलॉगी सारी चीजें कंप्लीट है आपकी चाहे एनॉलॉगी आपसे अल्फाबेट वाली पूछी जाए चाहे एनॉलॉगी आपसे नंबर वाली पूछी जाए कोई सी पूछी जाए आप आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाला क्वेश्चन ले लेना आप आज एज अ होमवर्क ठीक है जितने भी स्टूडेंट है यहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है करके क्लास कैसी लगी आज की ये भी जरूर बताइएगा अभी कुछ और पॉइंट्स हैं सुनना जरूर ठीक है तो यहां पे हमारा क्लास पूरा एनलॉगी एंड होता है अभी इस क्लास की पीडीएफ कहा मिलेगी आपको एक तो इसका आंसर बताना मुझे ऑफलाइन सभी को ऑफलाइन कमेंट करना है ए टू जेड जितने स्टूडेंट हैं कम से कम आज 500 कमेंट तो आनी चाहिए बाकी आपकी यूट्यूब पे क्लास शाम छह बजे हो ही रही है उसमें आप लोग जरूर आइएगा और अभी मेरे बात अभी ग्यारह बजे आपकी एक और डेमो है ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो जी के लिए पढ़ रहे हैं जो डेमो ले रहे हैं अभी आप लोगों की ग्यारह बजे भी एक क्लास है मैं भी बता देती हूँ ये तो चल रही है हमारी लाइव बस एक मिनट रुकना अभी आप लोगों की क्लास है ग्यारह बजे वाली वो भी जरूर देखिएगा स्टैटिक जी के आपकी स्तर विवेक सर रात को दस बजे करवा रहे हैं एक सौ बीस क्वेश्चन एक सौ दो तो सौ क्वेश्चन दो घंटे के अंदर तो वो भी जरूर देखा करिए और अभी बायोलॉजी की स्केलेटन सिस्टम की आप लोगों की क्लास ग्यारह बजे बिल्कुल नहीं भूलना है बढ़िया बेहतरीन टीचर सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे रजनीश सर क्लास जरूर देखनी है बजे ठीक है है बस पीडीएफ पीडीएफ आपको कहा दूंगी? तो में आपको दूंगी दूंगी तो में जो लाइव क्लास आपकी चल रही ना इसके नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है इसको आप खोल लेना ठीक है मतलब इसमें ज्वाइन हो जाना आप सभी यहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी एक घंटे के अंदर अंदर पीडीएफ को बनाकर तो जो क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा है उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और बाकी आज भी हम आज हमारा पूरा एनॉलॉगी भी खत्म होता है कोडिंग डिकोडिंग पहले ही हो चुका है एनोलॉगी आज हो चुका है और भी चीजों को हम ऐसे सिस्टमैटिक करते रहेंगे तो आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा और जिन भी बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया है सिंघम बैच तो मैं बोलूंगी थ्योरी एक बार आप लोगों को कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है अगर नहीं करिए कभी तो और बुक्स भी आपको मिली रही है ऑलरेडी है ना तो सिंघम बैच आपको छह में प्रोवाइड किया जा रहा है चार दिसंबर से क्लास स्टार्ट है तो तीन दिसंबर रात बारह बजे से पहले पहले आप बैच को परचेज जरूर कर ले ताकि आपके पास क्लासेस शुरू से शुरू हो जाए है ना चलो जी तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं आशा आपको क्लास अच्छी लगी होगी मिलते हैं फिर हम लोग शाम को छह बजे तब तक लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपना अपने खबरों का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत